आगरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 24 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। बीएड की फर्जी डिग्री से कर रहे थे नौकरी, जांच में सभी शिक्षकों की निकली बीएड की फर्जी डिग्री। थाना सागंज में धारा 420, 467, 471 में हुआ मुकदमा दर्ज। हरिचंद, कविता, गौतम, गीता, चंदन सिंह, रेणु कुमारी, अश्वनी कुमार, सुधा, निशिकांत, अरुण कुमार, आकांक्षा, योगेंद्र सिंह, दलवीर, रामकिशोर, चेतन शर्मा, सरता कुमारी सहित ये 24 ऐसे नाम की सूची है जिन्होंने वर्ष 2004 और 5 के सत्र में रुपयों के बलबूते पर और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की मिली भगत से फर्जी डिग्री लेकर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बन गए। 24 फर्जी शिक्षकों की सूची में 16 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल है जिनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2004 और 5 में बीएड के परीक्षा परिणाम में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा अंकों और चार्टों में बड़ा फेर बदल कर हेरा फेरी से बीएड की फर्जी डिग्री हासिल कर लेने के बाद तमाम ऐसे लोग प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बन गए और अब बड़े मजे से नौकरी कर रहे थे। 24 ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर लिया गया था जिन्होंने बीएड की फर्जी डिग्री लेकर प्राथमिक स्कूलों में नौकरी हासिल की थी, लेकिन जांच के बाद इनकी सेवा 15 मई 2020 को समाप्त कर दी गई है और अब इन सभी के खिलाफ थाना सागंज में धारा 420, 467 और 471 में मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर कब तक कार्रवाई की जाती है?